होम्योपैथिक केस सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक, आप ऑब्जर्वेशन से उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके फाइन जेस्चर्स को देखकर, उसके एक्सप्रेशंस को नोट डाउन करके। और दूसरा, जो भी हिस्ट्री मिली है, जो भी डिस्क्रिप्शन मिला है, उसमें से उन सिचुएशंस में से रूब्रिक्स को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं, जो ऊपर मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में डाला हुआ है, अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें ऑब्जर्वेशन का एक रूब्रिक है और बाकी के जो रूब्रिक्स हैं वो सारे उस डिस्क्रिप्शन में से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। तो देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या रूब्रिक्स लिए हैं। तो इसमें सबसे पहला रूब्रिक लिया गया है टेम्पर टैंट्रम। नाउ टेम्पर टैंट्रम क्या है? टेम्पर का हिंदी में मतलब होता है गुस्सा और टैंट्रम का मतलब होता है दौरा पड़ना। अब अगर पूरे रूब्रिक को हम एक साथ समझने की कोशिश करें तो इसका यह मतलब होगा कि गुस्से का दौरा पड़ना। अब हम पेशेंट में कैसे समझेंगे कि इसके अंदर टेम्पर टैंट्रम है या नहीं है? तो टेम्पर टैंट्रम में गुस्से में बच्चा रोते रोते पैर जमीन पर पटकता है या जमीन पर लेटकर रोल करने लगता है या फिर गुस्से में अपनी सांस रोक लेता है। तो ये सब टेम्पर टैंट्रम्स हैं। अब इस केस में टेम्पर टैंट्रम कहां दिखाई देता है? लेट अस सी व्हाट मदर हैज टू से। मदर सेज, आपने केस में पढ़ा होगा ऊपर, व्हेन एंग्री ही स्टैम्प्स हिज फीट, होल्ड्स हिज फिस्ट एंड थ्रोज हिमसेल्फ टू द ग्राउंड। मतलब वो गुस्से में अपना पैर जोर से पटकता है, अपनी मुट्ठी भींच लेता है और खुद को जमीन पर फेंक देता है। दैट मीन्स ही रोल्स ऑन द ग्राउंड। तो बेसिकली टेम्पर टैंट्रम क्या है? इट इज एनी फिट ऑफ बैड टेम्पर बाय अ चाइल्ड, स्पेशली किकिंग, स्क्रीमिंग और डिलीबरेटली होल्डिंग द ब्रेथ। अ टैंट्रम इज एन इमोशनल आउटबर्स्ट यूजुअली एसोसिएटेड विद चिल्ड्रन और दोज इन इमोशनल डिस्ट्रेस दैट इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय स्टबर्ननेस, क्राइंग, स्क्रीमिंग, येलिंग, श्रीकिंग, एंग्री रैंटिंग, अ रेजिस्टेंट टू अटेम्प्ट एट पेसिफिकेशन एंड इन सम केसेस वॉयलेंस। अब इस केस में हमने देखा कि बच्चा गुस्से में अपने आप को जमीन पर फेंक देता है, अपनी मुट्ठी बांध लेता है और अपने पैरों को जोर से जमीन पर पटकता है। व्हाट इज दिस? दिस इज टेम्पर टैंट्रम। दस आवर रूब्रिक इज कन्फर्म दैट दिस बेबी हैज टेम्पर टैंट्रम्स इन हिम। नेक्स्ट रूब्रिक व्हाट वी टुक वाज मिस्चीवियस। व्हाट इज मिस्चिफ? मिस्चिफ इज अ अनोइंग एक्शन और अ कंडक्ट दैट इज प्लेफुली कॉजिंग पिटी अनोयंस। अगर हम किसी को कहते हैं कि ये मिस्चीवियस है तो उसका मतलब होता है कि वो नटखट है, शरारती है, मस्तीखोर है। मिस्चीवियस लोग दूसरों को छेड़ेंगे, उनको फेसेस बना बना के चिढ़ाएंगे या उनको मजाकिया ढंग से परेशान करेंगे, जैसे किसी को टिकल करके या गुदगुदी लगा के भाग जाना, किसी के बाल खींच के भाग जाना, किसी का कोई जरूरी सामान छुपा देना ताकि वो परेशान होकर ढूंढे। ऐसा करने से इनको मजा आता है। सच एक्टिविटीज इंडिकेट दैट द पर्सन इज ऑफ मिस्चीवियस कैटेगरी। जैसे कुछ एग्जांपल्स ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि कोई बच्चा कहीं छुप जाए और फिर वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने में लगाए कि ढूंढो मैं कहाँ हूं, या कोई ऐसे दरवाजे के बच्चा जाके दरवाजे के पीछे छिप जाए और जैसे ही कोई उस दरवाजे के अंदर आए जोर से चिल्लाए भौ एंड डर गए। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मिस्चीवियस। मिस्चीवियस का हिंदी में मतलब होता है नटखट, शरारती या मस्तीखोर होना। अब इस केस में हमें कहां दिखाई देता है कि वो मस्तीखोर है?
मदर ने क्या कहा, ही मेक्स फेसेस टू एल्डर पीपल, पुल्स हेयर, देयर क्लोथ्स, एंड इफ समवन आस्क हर डोंट डू दिस देन ही रिपीट्स द सेम वर्ड्स। जब भी घर में लाइट चली जाती है, दिस बॉय रन्स इन द हाउस जस्ट टू मेक हिज एल्डर ब्रदर फ्राइटन। ये सारे एक्टिविटीज ये बताते हैं कि दिस बॉय इज मिस्चीवियस। सो वी हैव ऑन आवर दिस रूब्रिक कन्फर्म्ड दैट दिस बेबी इज मिस्चीवियस एंड ही हैज टेम्पर टैंट्रम्स इन हिम। नेक्स्ट रूब्रिक व्हाट वी टुक वाज जेलेसी। जेलेसी का मतलब होता है जलन, किसी से जलना। नाउ दिस इज नॉट फिजिकल बर्निंग, ये इमोशनल बर्निंग है, इमोशनल जलन है। जेलेसी एक ऐसा नेगेटिव इमोशन है जिसमें इनसिक्योरिटी होती है अपने सबसे प्यारे आदमी को खो देने की, जैसे कि मदर हो, फादर हो, भाई हो या बहन हो, या कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो या कोई बॉयफ्रेंड हो, या कोई भी ऐसा जिसे हम क्लोज होते हैं। ये इमोशन कब आता है, जब भी हमारे हिस्से का प्यार या हमारे हिस्से का अटेंशन किसी और को मिलने लगता है, तब हमारे अंदर एक मिक्स्ड इमोशन आता है, दिस इज जेलेसी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी गर्लफ्रेंड किसी और से हंस हंस के बातें कर रही हो और मुझे नेगलेक्ट कर रही हो, जो अटेंशन मुझे चाहिए वो अटेंशन मुझे ना देकर वो किसी और को अटेंशन दे रही हो, तब मेरे मन में जो इनसिक्योरिटी वाले इमोशंस आएंगे उसे जेलेसी कहते हैं। यूजुअली पेशेंट के वर्जन या उसके अटेंडर के वर्जन कुछ ऐसे हो सकते हैं। पेशेंट क्या कहेगा, मुझे लगता है मेरे घर वाले मुझसे ज्यादा मेरे भाई को या मेरी बहन को प्यार करते हैं। या मदर कहेगी, ये हमेशा शिकायत करता है कि हम लोग इसको ध्यान नहीं देते, हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, हम इस पर ध्यान देते हैं फिर भी इसको कम लगा रहता है। जेलेसी का सबसे क्लोज आता है एनवी। हम एनवी पे बाद में आएंगे, लेकिन जेलेसी का मतलब होता है एक ऐसे आदमी को खो देना जिस पर मेरा अधिकार हो, ये मेरा है और किसी और का नहीं। ये अगर मदर है तो मदर के प्यार पर सिर्फ मेरा अधिकार है और किसी का नहीं। छोटे बच्चों में भी अगर आप देखेंगे तो अगर माँ ने अगर किसी और बच्चे को गोद में ले लिया तो दूसरा वाला बच्चा उसको हटाकर खुद माँ की गोद में बैठने की कोशिश करेगा। या माँ ने कोई चीज़ किसी दूसरे बच्चे को दे दी तो ये रोना धोना चालू हो जाएगा। हम छोटे बच्चों में ये भी देख सकते हैं कि अगर माँ ये कहे कि किसी डॉल को ही लेकर अगर गोद में बैठ जाए तो बच्चा रोने लगेगा या उसको हटाएगा या उस बच्चे को माँ से झगड़ा करेगा कि मुझे बैठना है। दीज ऑल एक्टिविटीज इंडिकेट दैट देर इज जेलेसी इन द बॉय, गर्ल और हूसोएवर द पेशेंट इज। जैसा कि हमने बताया कि जेलेसी से बहुत क्लोज आता है एनवी, लेकिन एनवी और जेलेसी में एक बहुत ही फाइन डिफ्रेंसिएशन है। एनवी में किसी और की चीज या किसी और की पोजीशन को पाने की इच्छा होती है जो मेरा नहीं है पर मुझे चाहिए, दिस इज एनवी। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पड़ोसी के पास कार है और उसको देखकर मेरे मन में ईर्ष्या होती है कि मुझे भी ये चाहिए, जो उसके पास है वो मुझे भी चाहिए। तो अब बेसिक डिफरेंस आप समझ सकते हैं। एनवी में जो मेरे अधिकार का नहीं है, जो मेरा नहीं है वो मुझे चाहिए, लेकिन जेलेसी में जो मेरा है वो मुझसे कहीं छूट ना जाए। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। एंड सिबलिंग राइवलरी इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ फैमिली जेलेसी। इस केस में हम देख सकते हैं देयर इज सिबलिंग राइवलरी, एक भाई और दूसरा भाई।
सिबलिंग राइवलरी इज अ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ फैमिली जेलेसी. फैमिली जेलेसी कैन अफेक्ट ऑल एजेस एंड डिफरेंट मेंबर्स ऑफ एनी फैमिली. दिस जेलेसी कैन अराइज फ्रॉम लैक ऑफ अटेंशन फ्रॉम अ स्पेसिफिक मेंबर इन द फैमिली. मोर अटेंशन टूवर्ड्स अनदर मेंबर ऑफ द फैमिली कैन कॉज दिस इमोशन, और द इमोशन कैन बी सीन थ्रू वेन देर इज कंपेरिजन टू अनदर मेंबर इन द सेम फैमिली. अब इस केस में देखते हैं कि इस केस में ऐसा क्या है जहां से हमें पता चलता है कि ये इस बच्चे के अंदर जेलसी वाले इमोशंस हैं. मदर सेड ही वॉन्ट्स एवरीथिंग शुड बी डन फर्स्ट टू हिम एंड देन टू द ब्रदर. इफ सपोज मदर इज मेकिंग टिफिन, ही वॉन्ट्स हर टू मेक हिज टिफिन फर्स्ट. इफ शी इज टाइंग शू लेस ऑफ द एल्डर ब्रदर, ही आस्क मदर टू टाई हिज शू लेस फर्स्ट. Now these statements from mother, these descriptions from mother show that this boy requires a lot of attention and there is a competitive feeling, there is a feeling of sibling rivalry. Thus this rubric is also confirmed that there is jealousy in this baby. Next rubric what we took in this case was antics plays. Antics play का हिंदी में मतलब होता है मजाकिया हरकत करना. कोई ऐसी एक्टिविटी करना या कोई ऐसी हरकत करना जिससे लोगों का ध्यान उस पर जाए, जिससे लोग उसी को देखें. ऐसी कोई हरकत करना जिससे वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहे, जिससे लोगों का ध्यान हमेशा उसी पर रहे. अब ऐसा क्या क्या वो कर सकता है जिससे ध्यान उसी पर रहे. फॉर एग्जाम्पल मेरी एक पुरानी पेशेंट थी, नाम नहीं याद आ रहा उसका, लेकिन उसकी वो एक्टिविटी थी कि जब भी मदर केस देती थी तो वो जोर से अपना पैर पटकते हुए आए और मम्मा मम्मा इधर देखो मेरा शूज, एंड देन वो वापस चले गए. फिर मदर ने केस शुरू किया बताना, डिस्क्राइब करना कुछ शुरू किया, एंड देन वापस से मम्मा मम्मा मेरा हेयर क्लिप. फिर वो वापस दरवाजे के बाहर. सो शी वॉज कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग, एंड इन बिटवीन शी वॉज कॉलिंग हर मदर का नाम. नाउ दिस वॉज अ एक्ट टू गेन आर अटेंशन, सो दैट मदर का पूरा अटेंशन उस पर रहे. अब इस केस में व्हाइल आई वॉज टेकिंग द केस एंड टॉकिंग टू मदर, नाउ दिस चाइल्ड वॉज रनिंग फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर कॉर्नर ऑफ द रूम, और दूसरे कॉर्नर में जाके ही वॉज कॉलिंग अदर, मम्मी देखो मैं यहां पर हूं. थोड़ी देर बाद फिर वो मेरी चेयर के पास आए, अपने आप को छुपा ले एंड सडनली बाहर आ जाए, सी आई एम हियर. देन अगेन कॉल्स द नेम ऑफ द मदर. दिस ऑब्जर्वेशन अलोंग विथ मदर्स नरेशन कंफर्म्ड दैट ही हैड एंटिक्स प्लेइंग बिहेवियर. लेट अस सी व्हाट मदर सेड. इस केस में ऐसा क्या है जिससे हमें पता चले कि इसके अंदर एंटिक्स प्ले आया. मदर ने क्या क्या बताया. मदर सेड इफ नेग्लेक्टेड ही बिकम सैड, ही डज दिस पर्पजली बिकॉज ही नोज व्हेन ही इज सैड पीपल विल गिव मोर अटेंशन, मोर केयर एंड मोर लव टू हिम. If he is not given attention, he will do some activity that your attention will get attracted, like whistling, etc. And if little attention is paid, he will do it more. Now my observation, जो वो मेरे क्लिनिक में कर रहा था, एक कोने से दूसरे कोने में भाग के जा रहा था, भाग के आ रहा था, वहाँ से in between हमारी interview के interrupt कर रहा था, और mother का description.
दोनों मिलकर ये कंफर्म कर देता है कि इस बच्चे के अंदर एंटिक्स प्ले वाले गुण भी हैं। सो एंटिक्स प्ले इज एन अटेंशन ड्रॉइंग प्लेफुली और फनी एक्ट और एक्शन। इट इज डन फॉर फन एंड अम्यूजमेंट टू सीक अटेंशन। इन सिंपल वर्ड्स इट इज अटेंशन ग्रैबिंग प्लेफुल प्रैंक। नेक्स्ट रूब्रिक जो हमने इस केस में लिया वो था अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का मतलब होता है वेरी लविंग, जो बहुत ही प्यारा स्वभाव का हो, प्यार दे प्यार ले, हर जगह प्यार बांटे, किसी के लिए भी उसके मन में प्यार ही हो, हर हर किसी के लिए वो केयरिंग हो, हर किसी के लिए वो लविंग हो। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए रूब्रिक है अफेक्शनेट। लाइक जैसे इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में व्हाट मदर सेड, समडे इफ आई एम इल देन आई विल कम एंड आस्क व्हाट हैपेंड मॉम, हाउ आर यू, इफ समवन इज नॉट कीपिंग वेल देन ही टेक्स गुड केयर ऑफ देम, दैट डे ही विल नॉट डू एनी मिस्चिफ एंड विल आस्क द एल्डर ब्रदर ऑल्सो टू कीप क्वाइट बिकॉज मम्मी इज नॉट वेल। दीज ऑल इमोशंस एंड दीज ऑल एक्टिविटीज सजेस्ट दैट ही इज ऑफ वेरी अफेक्शनेट नेचर। Thus, our this rubric was also confirmed that he is affectionate. Next rubric what we took in this case was magnetized desires to be. Now, what is magnetized? बस इतना याद रखिए कि there is a magnet and there is a iron rod और कोई भी लोहा। उस लोहे में मैग्नेटिक पावर्स नहीं होते, लेकिन जब ये मैग्नेट लोहे के संपर्क में आता है, जब ये मैग्नेट और लोहा एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, तो मैग्नेट की जो भी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं वो उस आयरन रॉड के अंदर भी चली जाती हैं। दिस इज अ मैग्नेटिज्म। सिमिलरली जिन लोगों को भी मैग्नेटाइज्ड की डिजायर होती है, वो लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उनको किसी और की पॉजिटिव एनर्जी मिले, और इसके लिए वो मसाज वगैरह करवाते हैं, या वो चाहेंगे कि जब वो सोएं तो माँ उनके ऊपर हाथ रखकर सोए, या माँ से कहेंगे कि माँ मुझे धीरे धीरे थपकी मारते रहना, या माँ की गोद में लेटे रहेंगे और कहेंगे मुझे बस सहलाते रहो। तो इन सब एक्टिविटीज़ में वो क्या कर रहे हैं, वो माँ के या पिता के या किसी पर्सन के जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं उनको वो अपने साथ ले रहे हैं, और वो सारी पॉजिटिव एनर्जीज उनको मिलती हैं उससे। तो रूब्रिक इज मैग्नेटाइज्ड डिजायर्स टू बी। अब इस केस में हम देखते हैं कि इसमें कहाँ से हमको ये पता चला कि इसके अंदर मैग्नेटाइज्ड डिजायर्स टू बी रूब्रिक फिट बैठ रहा है। मदर ने क्या कहा वो सुनते हैं। मदर सेड ही लाइक्स टू बी कंटिन्यूअसली पैटेड एंड मसाज्ड ऑन बैक और हेड अंटिल ही गेट्स स्लीप। व्हेनेवर ही हैज फीवर ही कम्स एंड सिट्स इन द मदर्स लैप एंड विल नॉट गो डाउन अंटिल ही फील्स बेटर। इन अ मोमेंट ही बिकम्स सो एक्टिव एंड प्लेफुल दैट नो वन विल बिलीव ही वॉज इल। व्हेन ही इज इल He wants mother to take his head in the lap and massage it continuously until he gets sleep, and only then the mother is permitted to leave. In sab se humko ye pata chalta hai ki he is taking positive energies from the mother, and thus this rubric suits very well to the case, which is magnetized desires to be.
नेक्स्ट रूब्रिक व्हाट वी टुक वाज लव फॉर एनिमल्स. नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल रूब्रिक. लव फॉर एनिमल मीन्स जानवरों से प्यार करना, लोअर एनिमल से प्यार करना. जनरली स्टेटमेंट्स ऐसे होंगे कि इसको कुत्ता बिल्ली या ऐसे जो पेट है वो बहुत पसंद है, इसको चिड़िया बहुत पसंद है. माँ बताएगी कि इसको जब तक कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़े की पिक्चर्स ना दिखाओ ये खाना ही नहीं खाता. इसको इसको खाना खिलाने के लिए हमको कोई एनिमल वाला वीडियो चालू करना पड़ता है, एनिमल प्लैनेट चालू करना पड़ता है. ये उसको देखकर बड़ा खुश हो जाता है. लाइक एक मदर थी जिसने बताया था कि इसको जब खाना खिलाते हैं तो आस पड़ोस के जितने भी डॉगी वगैरह हैं वहाँ पर उन सबको बुला के हमको दरवाजे के बाहर बैठना पड़ता है और उन सबको बाहर बुलाओ, एक रोटी वो खाएगा तो एक रोटी ये खाती है. दिस इज एनिमल लव फॉर एनिमल्स. इस केस में हमको कहाँ से पता चलता है, तो एक स्टेटमेंट था जिसमें मदर सेड ही लव्स एनिमल्स एंड वॉन्ट्स टू हैव पेट डॉग्स एंड बर्ड्स. तो ये रूब्रिक्स, इन सभी रूब्रिक्स को मिला के हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन आया दैट वॉज फॉस्फरस. फॉस्फरस क्योर्ड दिस बेबी. ही हैड no attacks of breathlessness or no attacks of cough or no attacks of any allergic complaint since phosphorus was given. Thank you. Any questions regarding this case can be put forth in question answer session, and thank you so much. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में लगी हुई घंटी को जरूर दबाएं.